अस्सलाम वालेकुम है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम करने वाले हैं चैलेंज, और भाई चैलेंज हमारा ये है कि हमें 200 रुपये में पूरा दिन गुजारना है। मैं हूँ, मेरे साथ फरदीन है। फरदीन का वेट कर रहा था, स्कूल से फाइनली आ चुका है यार। फिर तो करता है ना मस्तियाँ। 200 रुपये में आज हमें पूरा दिन गुजारना है, पूरा दिन 200 रुपये में। ये वो जमाना नहीं है, क्या करें अब, चेक तो करते हैं ना यार। 200 रुपये सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये तीनों चीज़ें हमें करनी है। लेकिन पहले उससे पहले फरदीन थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। निकालना गाड़ी, और मौसम देख सकते हो यार कैसा हसीन मौसम हो रहा है। अब इस मौसम में चलेंगे फटाफट, ये गाड़ी निकालता है फिर चलते हैं। तो खाना का ये तो बताओ पहले सुबह के नाश्ते में। भाई बहुत टाइट भूख लग रही है, मैं 7 बजे को उठाऊँ यार, जल्दी से कुछ खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। चाय पराठा खा ले, चाय पराठा। क्यों? मैं तो कह रहा हूँ चाय बिस्कुट खा लेते। चाय पराठा क्यों नहीं, ऑयलिंग वगैरह होता है वजह से। ऑयल बहुत होता है, पूरा मुंह चिपक चिपक हो रहा था। चलो ये होटल मिला कुछ यहाँ बैठता है भी आ गया। तुम ले लो ना अपनी कोई कुर्सी, ऐसे बैठेगा। इधर आ जा मेरे बराबर में, आ जा आ जा। माशाल्लाह मक्खियों की दुकान खुली है। मक्खियों के ना चाय ले ली है और केक ले लिए, क्योंकि बिस्किट तो हमें मिले नहीं। सही है, चाय का और 10 रुपये के, 20 रुपये के केक, यानी कि 60 रुपये, 200 में से 60 निकालो कितने बजे, 140। सही है, 140 रुपये में हमें दिन का खाना और रात का खाना भी करना है, समझ रहे हो। दुकान वाला था नहीं, शार्क का दुकान। अरे चलो खैर केक खा लेते हैं, केक भी सही होता है। हमारी चाय आ गई, चाय बराबर कर रहे हैं, उन्होंने गिरा दी और केक भी आ गया, लेकिन मक्खियाँ इतनी बैठ रही है ना, मेरी हट रही है, और बराबर कर रहे हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं यार। हाँ हाँ ये देखें, ये फारा फरदीन कैसा नाश्ता सुबह का, बेहतरीन है नाश्ता सुबह का। चीज़ बढ़िया है, थोड़ा सा केक लेते हैं। तो बाहर तो भाई बारिश हो रही है टायर वाली, ये डुबोया हमने चाय के अंदर। अबे वेट, मैंने नाश्ता कर नहाने जा रहा हूँ। सर्दियों का मौसम है, अगर बीमार हुए ना सही नहीं हो पाओगे, ये बता दूँ मैं तुम्हें। फाइनली हमने नाश्ता तो समेट दिया, अब चलते हैं बस अपने घर पे। बारिश भी हमारी रुक गई है, तो बस अब घर पर चलते हैं। पूरी गाड़ी गीली हो गई है, रोड गीले हो गए हैं, बारिश जो है ना तेज़ हुई है, उसके बाद फिर रुक गई कराची। ऐसा ही है, बारिश होती है रुकती है, होती है रुकती है। शार्ट तो होगा, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ आती है मेरी जान, ये कराची है पूरा भर जाता है, समझ लो। अब चाचा कहाँ से आ रहे हो, चाचा चले भाई घर तो आ गए। लेकिन यार हमारे पास भाई ये 140 रुपये बचे हैं, इसी में हमें जो है दोपहर का खाना, रात का खाना निकालना है भाई। और अभी थोड़ा सा यार काम वगैरह करता हूँ, उसके बाद चलेंगे दोपहर खाने में। आपको पता है कराची वाले लोग हैं हम, तो तकरीबन 12 बजे हमने भी करा नाश्ता, 3 बजे तक चलेंगे दोपहर का खाना खाने। बस सही है भाई, यही पैसे बचे हैं यार, अब इसी में देखते हैं क्या होता है। सोच रहे हैं कि दोपहर में तो थोड़ा सा हल्का खा ले, रात के डिनर है ना वो फिर हमारा टायर्ड हो जाएगा, और दोपहर में हमने ज़्यादा खा लिया ना, तो फिर रात के लिए तो पैसे बचेंगे नहीं। चले देखते हैं क्या होता है। भाई साहब बारिश चेक करो यार, कितनी तेज़ हो गई यार, ये देखो फरदीन तो भाई इंजॉय करने में लगा हुआ है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। देखो मुझे पहले से ही शक था, मौसम जैसा हो रहा है ना बारिश तेज़ ही होगी, है फरदीन बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, चेक करो। और तेज़ हो जाना ये, अब ये भी बहुत तेज़ है, ओए होए पूरी गली गीली हो गई हमारी तो। सी काली घटा आई है यार, कैसे देखे हो, कैसे काले बातों में आज भाई फुलान दी आ रही है। क्या करें अब, चैलेंज कैसे पूरा करेंगे, टाइम देखो 3:30 हो गए। हाँ हमने अभी तक खाया नहीं है, खाओगे क्या, खाओगे क्या तुम बोल तो ऐसा, तुम क्या खाओगे से बहुत 5000 तो खर्च में अभी भाई। तो फिर भी एक राय तो ले रहा हूँ, 100 रुपये नहीं है, 100 रुपये नहीं है मेरे पास, 100 रुपये नहीं है, पूरे 140 रुपये। उम्मीद है नीचे करो, पूरे 140 रुपये मेरे पास, क्या खाओगे तुम ये बताओ। समोसा खाने यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समोसा जिंदाबाद। दो समोसे ले लेंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा, सही है। रात के खाने के लिए ना हमारे पास VIP पैसे बच जाएंगे, टायर्ड हो जाएगा VIP सेटअप बन जाएगा। रात के खाने के लिए जो है ना अपन बिरयानी कर लेते हैं, सही है, अगर बिरयानी आ गई। अभी 140 है, समोसा कितने का है मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपये का, ऐसी है कुछ समोसा।
वो जमाना गया, अभी जमाने में जी रहे हो, किस जमाने में जी रहे हो? 25 का तो 90 रुपए में क्या आएगा यार? 90 रुपए में क्या आएगा? समोसे खा लेना रात को भी। रात को भी समोसा चले गए अभी देखते हैं, अभी तो तकरीबन 3:30 का टाइम है। ये चैनल डे नहीं होगा, समोसा डे हो गया। चलो देखते हैं यार, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश कंट्रोल में आ जाए उसके बाद चलेंगे। पानी किस तरीके से अंदर आ रहा है ये देखें, ये हमारे यहाँ तक आ गया, पूरा हमारा काम ख़राब हो गया। ये देखें पूरे कारपेट पर पानी पानी आ गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार भाई। अभी एक जुगाड़ लगाए पर्दे जो हमने बाहर डाल दिए ताकि पानी जो है ना अंदर नहीं आ सके। भाई बारिश तो रुक गई है, अब चलते हैं फटाफट। फाइनली बारिश तो रुक गई, लेकिन यार पूरी गली में जो है ना हमारे पानी वगैरह भर गया। चलो स्टार्ट करो, चलते हैं यार बस। अब चाची पे समोसे लेने गए और अभी जल्दी से लेकर आते हैं, फिर खाते हैं समोसे। बहुत टाइट भूख लग रही है, तो ये देखें चाची पे समोसे लेकर आ गए। देखें ये समोसे लेकर आए भाई, 70 रुपये के 3 समोसे मिले, मैंने ले लिया। सही है, 70 रुपये के 3। चलो जल्दी, ज़बरदस्त हो गया। तो भाई खा कर बताओ। तो चीज़ बढ़िया है, हमारे पे 140 थे, अब हमारे पे बचे गाइस सिर्फ 70 रुपए। 70 रुपए में मैं रात का खाना करना है यार। अभी गाइस हम लोग आ गए घर पर, थोड़ा सा मुझे करना है काम, काम वगैरह करते हैं। तकरीबन 4 बज रहे हैं भाई, एक समोसा नसीब हुआ है, 1.5 समोसा और 4 बज रहे हैं। खैर बहरहाल कोई नहीं यार, चैलेंज ऐसा होता है। अब रात का हमें खाना करना है 70 रुपए में, 70 रुपए हमारे पास बचे हैं, 70 रुपए में रात का खाना करते हैं, तो पटक काम करते हैं उसके बाद चलेंगे फिर। सो भी गाइस रात के तकरीबन 10:15 बज चुके हैं यार, भूख तो लगेगी ना भाई, जाहिर सी बात है यार, एक एक समोसा खाए मैं दिन का। तो अब बस हमारे पास ये फ़िलहाल 70 रुपये बचे हैं, और इस 70 रुपये में जो है हमारा चैलेंज भाई पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि बिरयानी वगैरह तो हम ऐसी चीज़ नहीं खा सकते थे। फरदीन ने बोला कि भाई फ्राइज़ मंगा लो, तो हमने सोचा फ्राइज मंगा लें। 70 रुपये की फ्राइज तो दो बनने हैं, कम से कम 100 की तो मंगाओ। तो चैलेंज से फिर बाहर आ जाएंगे ना हम। कितना हमारी जो एक एक्यूरेट रेट है वो तो वो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा फिर तो। वो साढ़े उड़ गए ना तुम्हारे सामने, ये तो बात है। अब 70 रुपये बचे, 70 रुपये में फ्राइज ही आएगी ना यार। चलो क्या करें यार, वैसे मैं छोड़ो यार, मैंने गलती कर ली आपके साथ, अगर सुबह से भूखा हूँ मैं जान। अगर तुम रोज खाते हो, अगर एक दिन भूखे हो गए तो क्या हो गया? उन लोगों को भी तो देखो ना, जो बेचारे जो है वो भूखे सोते हैं। हमें यही तो देखना था कि भाई, हमें यही तो मतलब मेरा यानी कि बोला भी नहीं आ रहा मुझसे, मेन मसला यही तो था कि हमें चैलेंज इस तरीके से करना था ना, कि हम ये देखना चाहते थे कि एक गरीब अगर बंदा है 100 रुपये अगर उसके पास है तो पूरा दिन गुजार सकता है, नहीं गुजार सकता। और कमज़ोरी के हमारे देख सकते हो भाई, डाले भी पड़ गए मेरे, ये क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं। भारत 70 रुपये फ़िलहाल हमारे पास है, तलहा ये ले जा। फ्राइज लिया, तल्हा को हमने पैसे दे दिए। हाँ डलवा दिए, केचप माइनस वगैरह डलवा दिए, फ्राइज वगैरह आ जाती है। उसके बाद बस यार लोग को एंड करेंगे फ्राइज खा के, और बस ठीक है भाई। अम्मी तो यहाँ पे बिग बॉस देख रही हैं यार, फरदीन को पबजी खेलने में लगा हुआ भाई। अल्लाह से कुंडली खटखटाने की आवाज़ आई है, आ गया। ये बिरयानी क्यों ले आया तू? चिप्स की दुकान बंद, सब बंद था। क्यों? तीन दुकान है, तीनों बंद। क्यों? टाइम लगा ना, टाइम। अच्छा बारिश वगैरह भी है। ये कितने की फिर मिली फिर? ये 70 वाली है, 72 भाई। ये वो तो क्या कहते हैं इसको, बारिश की वजह से जो है चिप्स तो लाया नहीं, लेकिन ये आइसक्रीम, ये आइसक्रीम कह रहा हूँ, चिप्स मिले नहीं, ये बिरयानी ले आया। अब बिरयानी खाते हैं यार, चले भाई खाते हैं बिरयानी। सबसे पहले आलू लिया, ये ली भाई। आज का सिंपल ब्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बस यही था यार आज का। इंशाल्लाह आगे और ज़्यादा चैलेंज आते रहेंगे, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर लाजमी लाजमी करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।